शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसे स्पीकर साहब मैंने कहा कि फ्लड्स NA1 से चतराल से शुरू होकर सिंध तक आया। सिंध में तो बिल्कुल MNAs को कॉन्फिडेंस में लिया गया, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई, लेकिन जहां तक पंजाब में, सदरन पंजाब में जैसे मजारी साहब का वो है या मेरा हलका है या चतराली साहब का है, हमारे साथ तो सूबाई हुकूमतें दुश्मनी में है, वहाँ की लीडरशिप दुश्मनी में है। और आप चाहे अगर वफाक की हुकूमत ने हमें अगर कॉल किया हो और वहाँ से कुछ असिस्टेंस अगर कोई हमारे हलकों में गई हो, सही है, वरना सूबाई हुकूमतें हमारे साथ कहाँ पे वो कर रही हैं। आप जब हमें कहते हैं, हमें इसलिए हम वफाक हुकूमत वफाक की तरफ देखते हैं क्योंकि प्रोविंशियल, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो चाहे वो पंजाब की हो, उन्होंने इस अपोजिशन साइड पे जो बेंचेस में बैठे हैं उनको नज़रअंदाज किया है और उनको टारगेट किया है। उल्टा तो आप हमारे ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, हमारे खिलाफ केसेस वो बना रहे हैं, झूठे मुकदमात बना रहे हैं। मुझे ये हैरानी, और कौन सी किस चीज़ों की, आप मजारी साहब पे, दोस्त मोहम्मद मजारी साहब पे केस किस चीज़ का बनाया गया है? बाप दादा की यानी 300-400 साल की पुरानी जमीन इनके साथ है तो वो उस पे इनको केस अरेस्ट करके वो करे जाली कागजात के साथ, अदालतों में फिर वो हो जाते हैं लेकिन हसबे बेजा में ये रख लेते हैं। तो आप हमें कहते हैं कि वहाँ पे तो सूबाई हुकूमत में वजीर आला या वो जो सूबाई वजीर है वहाँ पे तो हमारा वो नहीं हो सकता। आप अगर गवर्नर हाउस में रखेंगे तो हम बिल्कुल जाकर बैठ जाएंगे, हम वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं, वो सकते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमतों में घूमना फिरना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ पे वो लोग, क्योंकि उस लीडर ने जैसे पाकिस्तान फौज को जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर्स पे अपनी जाने देते हैं, वहाँ के चीफ ऑफ सिपासा लार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं बख्शा, उसको अपनी सियासत के लिए, और उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको वजीर आजम बनाया था, उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसी के इंस्टीट्यूशंस के जो वो थे, उसने इस पार्टी को इतना बड़ा जीरो से हीरो बनाया था, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम लोग तो आम पाकिस्तान के आम शहरी हैं, जो लोग पाकिस्तान के चीफ जस्ट, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं बख्शता, जो के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं बख्शता, जो के DGISI को नहीं बख्शता, जो के चीफ जो CGS होता है उसको नहीं बख्शता, तो वो सर हम कहां पे। लेकिन हां, कल मैंने जब बात की महंगाई की तो मैंने बात की, लेकिन सर मैं आज फिर यहां से वो कर रहा हूं कि मुझे वफाकी हुकूमत से ये गिला है कि जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बातें करता है उसके खिलाफ आपने आर्टिकल 6 या आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं वो किया? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की अदलिया को मुतनाज़ा बनाएंगे तो उसके खिलाफ आपने आर्टिकल 6 या कोई कानूनी चारजोई करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से वो बंदा 4 महीने जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा था तो उन दिनों में उसने पाकिस्तान, जरा प्लीज नो क्रॉस टॉक प्लीज, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का बन रहा था तो उन दिनों में उसने सड़क पे लाहौर से शुरू किया यलगार और पिंडी में आ गया। वो प्रेशराइज किसको करना चाहता था? और उसने बाकायदा और उसके मेंबरान ने वहां पे स्टेज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी फ्लोर आवाम को, आप TTP और उसको दहशतगर्द कहते हैं, वो भी तो रिच को ऐसे ही चैलेंज करते हैं ना जी, वो भी तो वो करते हैं, और इसको आप नहीं कर रहे। मुझे हैरानी हो रही है हुकूमत के, वज़रा साहिबान दोनों बैठे हैं, जरा मेरी बात सुनिएगा अब्बासी साहब, मुर्तजा अब्बासी साहब, ये क्योंकि अगर आप इस पे गफलतें दिखाएंगे तो हम इस पे एहतजाज करेंगे। मैं कल भी उठाऊं, आज मैं फिर उठ रहा हूं, क्योंकि वो बंदा TTP में और इस बंदे में क्या फर्क है?
कि वो हमारे सिपाहसालार को नहीं बख्शता, हमारे पाकिस्तान की आर्मी को नहीं बख्शता, हमारी अदालतों को नहीं बख्शता, यहां पे अटैक करता है और आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, तो क्या वजह है? मुझे इस ऐवान को बताना चाहिए कि आपने इस बंदे को या तो इसकी जहनी कोई वो कीजिए, कोई इसका दिमागी वो झूठे वो करते हैं। कभी कोई कहता है कि इस एमएनए ने 25 करोड़ रुपए लिया है, कोई कहता है इसने अरबों का वो किया, खुद घड़ी चोर निकलता है। जो बंदा घड़ी चोरी करता है वो पाकिस्तान के और पैसे कैसे छोड़ेगा? तो बात ये है, मैं तो खैर जातियात पे नहीं जाता हूं, मैंने जब कल चैलेंज किया कि ए लीडर जो तुम अपने आप को वो ठीक है, आज तुम्हारे साथ कुछ जो भी है ऐसे बहुत से गुजरे हैं, पाकिस्तान ने रहना है, मैं इस सीट पे हूं ना हूं कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस मुल्क के और इस मुल्क की इंस्टीट्यूशन और इसका दिफा करना मुझ जैसे और बहुत जैसे मेंबरान करेंगे इंशाल्लाह। और सर लेकिन ये है कि हम इस आपके इस ऑफिस से आपकी चेयर से ये रूलिंग चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ जो बदजुबानी की गई है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं करना चाहते तो फिर हमें इस असेंबली में बैठने का कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर हम उन लोगों को तहफ़ नहीं दे सकते जो बॉर्डर पे वहाँ पे लड़कर शहादत देते हैं, हम यहाँ पे सो रहे होते हैं और वो वहाँ पे जहाज शहादत देते हैं इंडिया के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे, और हम उनको वो नहीं दे सकते, फिर क्या फ़ायदा? फिर हमें यहाँ पे इन असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई ऐसे पागल बंदा जो अपनी सियासत के लिए इस मुल्क की यानी उस पता नहीं किसके एजेंडे पे वो ये गेम खेल रहा है, अगर वो ये करना चाहता है तो उसकी बात ये है फिर, और आप एक्शन नहीं लेना चाहते फिर हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। या तो हमें इसका जवाब देंगे, उस पर रूलिंग देंगे, वरना हम सर इस असेंबली में नहीं बैठेंगे। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जनाब नूर आलम खान साहब। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को इंश्योर करमी अदारों के खिलाफ जो है हर किस्म की हर्जा सराई की जो है ममानत है, और मैं मुझे यकीन है कि हुकूमत वक्त इस बात से आगाह है और वो किसी को भी इजाज़त नहीं देगी कि वो हमारे कौमी अदारों की तजहीक करें। नेक्स्ट सैयद महमूद साहब को मैं